हेलो गाइस, कैसे हैं आप। मैं हूं हनी, शेफ्स कंसल्टेंसी से आपका होस्ट, एक शेफ और एक कंसल्टेंट। तो आज की जो रेसिपी है वो होने वाली है वेजिटेरियन यानी कि शाकाहारी, और बहुत ही बढ़िया रेसिपी होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं तवा पनीर। और मेरी बात मानिए कि ये जो तवा पनीर है आप ये घर पर बनाइए, जब आपके गेस्ट आते हैं तो आपकी जो है वाह वाह हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो तवा पनीर बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हैं मैं आपको वो बता देता हूँ। तो यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं चॉप ऑनियन, जो कि मैंने दो मीडियम साइज़ लिए हैं और फाइन चॉप कर लिया है इसको। इसके अलावा टमाटो लिया है मैंने, ये भी दो मीडियम साइज़ लिए हैं जो मैंने फ़ाइन चॉप कर लिया अच्छी तरीके से। ग्रीन चिली मैंने दो लिए हैं यहाँ पे। हरा धनिया मैंने दो टेबल स्पून फाइन चॉप करके ले लिया। इसके अलावा हम कैप्सिकम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ये मैंने एक बड़े साइज़ की कैप्सिकम यहाँ पे लिया। उसके बाद जिंजर गार्लिक है, इसको मैंने मोटा पीसा है, मैं यहाँ पे पेस्ट यूज़ नहीं करूँगा तो ये मोटा वाला ही डालेंगे। उसके बाद जिंजर जूलियंस हैं जो कि गार्निश के लिए मैं यूज़ करूँगा। यहाँ पे हम दही यूज़ करने वाले हैं 3 टेबलस्पून, और पनीर मेरे पास है यहाँ पे 200 ग्राम। तो अब आपको मैं बता देता हूँ इसमें मसाले कौन कौन से डालेंगे। तो यहाँ पे मैं अजवाइन यूज़ कर रहा हूँ 1 टीस्पून, अमचूर पाउडर यूज़ करूँगा मैं इसमें 1 टीस्पून, सॉल्ट टू टेस्ट रहेगा, रेड चिली पाउडर यूज़ करूँगा मैं 1/2 टीस्पून, हल्दी यूज़ करूँगा 1/2 टीस्पून, और गरम मसाला पाउडर जो है वो यूज़ करूँगा 1 टीस्पून। तो चलिए एक बोल में यहाँ पे हम दही निकाल लेते हैं। इसके बाद डाल लेते हैं थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा रेड चिली पाउडर, थोड़ा हल्दी पाउडर, और जिंजर गार्लिक जो हमने कूटा हुआ था वो हम आधा यहाँ पे डाल रहे हैं। और इसके बाद हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तो लीजिए ये मिक्स हो गया, अब इसमें डाल देते हैं हम पनीर और इसको अच्छी तरह हम मिक्स कर देंगे। तो लीजिए पनीर मिक्स हो चुका है। अब हम इस पनीर को कम से कम 15-20 मिनट के लिए रख देंगे और तब तक हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। वैसे तो तवा पनीर जो है तवे पे बनता है, पर मेरे पास उतना बड़ा तवा नहीं है तो इसलिए मैं पैन में ही बनाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून जो है रिफाइंड ऑयल ले लिया और वो गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे अजवाइन, अब हम डाल लेते हैं चॉप ऑनियन और इसको हम अच्छी तरह पका लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे चॉप ऑनियन जो है वो पक चुके हैं, बस हमें इतना ही ब्राउन करना है इसको, इससे ज़्यादा नहीं, गोल्डन ब्राउन करेंगे। और इसमें फिर हम टमाटर डालेंगे, तो इसमें हम डाल देते हैं टमाटोस और साथ में ग्रीन चिली भी। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक सो देट के टमाटर जल्दी गल जाए। तो चलिए यहाँ पे हमारे जो टमाटर है वो आधे गल चुके हैं, अब हम इसमें मसाले डाल लेते हैं। तो थोड़ा रेड चिली पाउडर, हल्दी, अमचूर पाउडर और गरम मसाला पाउडर, और इसको अब हम पका लेते हैं अच्छी तरह। अगर आपका मसाला थोड़ा नीचे लगे तो आप थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं इसमें, 2-3 टेबलस्पून के अकॉर्डिंग पकाते हुए। और इसके बाद अगर आपका पानी सूख जाता है तो आप दोबारा भी थोड़ा सा ऐड करके पका सकते हैं, जब तक कि आपका जो मसाला है वो अच्छी तरह भून ना जाए। अब हम इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक जो हमने कूट के लिया था, क्योंकि इसका फ्लेवर जो है वो अच्छा है इसलिए हम बाद में डाल रहे हैं इसको। और थोड़े से हम डाल रहे हैं इसमें आधे जिंजर जूलियन जो हमने करके रखे थे। तो लीजिए हमारा मसाला ऑलमोस्ट पक चुका है, क्योंकि जो मसाला है वो तेल छोड़ चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे कैप्सिकम, इसको 1 मिनट पकाने के बाद हम फ्लेम जो है स्लो करेंगे और पनीर डालेंगे इसमें। तो हमने फ्लेम स्लो कर दी और मसाला जो है वो थोड़ा रेस्ट पे आ गया, अब हम इसमें डालेंगे पनीर। तो स्लो फ्लेम पे ही हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तो अब हम पनीर डालने के बाद इसको थोड़ी देर पकाएंगे, 3 से 4 मिनट। तो लीजिए हमारा तवा पनीर जो है 3-4 मिनट हमने पनीर डालने का पका लिया। अब हम इसमें डाल लेते हैं हरा धनिया और इसको हल्के हाथों से मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए पनीर तवा जो है बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है। तो चलिए अब इसकी हम कर लेते हैं प्लेटिंग। कैसी लगी ये रेसिपी आपको, तो घर पे बनाइए। ये रेसिपी बड़ी आसान सी है और जल्दी भी बन जाएगी, बट एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसमें जितनी भी चीज़ें हमने यूज़ करनी है उसमें कोई भी प्यूरी का फॉर्म या पेस्ट का फॉर्म मत यूज़ कीजिएगा। जैसे कि मैंने जिंजर गार्लिक जो यूज़ किया था वो मोटा मोटा पीस का यूज़ किया था। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। आई होप सो आपको मेरे वीडियोज़, मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही होंगी। अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद आपको पता ही है कि आपको बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना है, सो दैट कि मेरे जितने भी नए वीडियोज़ हैं, नई रेसिपीज़ हैं, वो आपके इनबॉक्स में जल्दी से जल्दी आ सके। So till then, stay safe, stay healthy, and goodbye.